आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की 7 वीडियोस कंप्लीट करने के बाद आज टाइम है इस चैप्टर की एग्ज़ाम सीरीज़ को देखने का, जिसमें आपको मिलेंगे इस चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके मीडियम लेवल के हैं। इजी वाले तो आप इजीली कर ही लेंगे बिकॉज आपने 7 वीडियोस अटेंड की हुई हैं, और थोड़ा सा हल्का सा मीडियम की तरफ हम लेवल को लेके जा रहे हैं इन क्वेश्चंस। वेलकम टू एजुक ग्रोथ विद सुधीर मित्तल। लेट अस सी व्हाट वी हैव टुडे। आज के इस चैप्टर जिसकी एग्जाम सीरीज हम दे रहे हैं आज, उसकी टोटल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है एक बार क्विकली देख लेते हैं। 2.7 तक हमारा 7 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज जो बारी है वो 2.8 की है, जिसमें हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जब चाहें जौन से भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक एग्जाम सीरीज स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डू योर बेस्ट हेयर एंड इन एग्जाम्स। आप कैसे, क्या क्या आप स्टेप लें जिससे आपका परफॉर्मेंस आज के इस असेसमेंट में, जो कि एक सेल्फ असेसमेंट है, और एग्जाम्स में भी आपका इम्प्रूवमेंट आए। देखिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, अगर आपने ये 2.1 से या 2.7 तक मैक्रो सीरीज की जो ये है, मैक्रो 2.1 से मैक्रो 2.7 तक की जो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, या आपको देखे काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप अब इनको रिवाइज कर लीजिए पास्ट मोड में देख करके। आपको रिवाइज भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको रिवीजन जो होगा इस सेल्फ असेसमेंट में आपको यूज़ भी आएगा। पॉइंट 2, टेक ए स्मॉल ब्रेक एंड देन ओपन दिस वीडियो। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए वीडियोस को देखने के बाद, फिर इस सेल्फ असेसमेंट पे आप आइए। कीप ए पेन एंड योर फिजिकल नोटबुक नियर यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें आज क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो आप उनको अटेंड करने के लिए अपने पास एक पेन और नोटबुक साथ में रखिए, ताकि आप उनमें अपने आंसर्स को ना क्विकली लिख सकें, और बाद में जो आंसर शीट आएगी इस वीडियो के एंड में, उससे आप क्रॉस चेक भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक सारे जो हैं क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें आपको बताया ना मैंने, एमसीक्यू वगैरह वगैरह भी हैं। हर स्क्रीन पे कैसे क्या होगा कि हर स्क्रीन पे मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, तो आप जैसे एक नया स्क्रीन आता है, आप उसको पॉज कीजिए, उसके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए अपनी नोटबुक में उनके आंसर्स को नोट कीजिए, और फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए अपनी वीडियो को रिज्यूम कीजिए। जैसे ही नई स्लाइड आए, वहाँ पे फिर से पॉज कीजिए, फिर से अगेन उसी तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हुए उनका आंसर आप करें, फिर आप नई स्क्रीन के लिए आप फिर से वीडियो को रिज्यूम करें। पॉइंट 5, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक, ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो अभी के लिए फुल लेंथ क्वेश्चन का आंसर ना लिखें। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उनको अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में लिख लें, उनके केवल हाइलाइट्स या केवल जो मेन पॉइंट्स हैं वही अपनी नोटबुक में नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 6, वीडियो के एंड में आपको आंसर की मिलेगी, और आपको वहाँ पर फर्स्ट 26 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, ठीक है। वहाँ पर आप अपने जो नोटबुक में आपने आंसर लिखे हैं उनको मैच करके आप अपना स्कोर खुद ही निकाल सकते हैं। पॉइंट 7, अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाए और आप चाहें कि यार ये वाला टॉपिक मेरा ठीक से प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो ये दोबारा से रिवाइज करना है, तो हमने क्या किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का रेलेवेंट जो भी टॉपिक है उसकी वीडियो का लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाएं और अपने क्वेश्चन नंबर को ढूंढकर उस वीडियो पर क्लिक करें, आपको वो वीडियो तुरंत ओपन हो जाएगी। तो आप उस टॉपिक को फास्ट मोड में रिवाइज करके तब आप देखिए कि आपने जो आंसर गलत किया वो क्यों किया और सही आंसर क्या था। पॉइंट नंबर 8, फिर भी आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर टॉपिक से नहीं निकला, वीडियो से नहीं निकल पा रहा, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प लीजिए। अपनी उस आंसर का, उस क्वेश्चन का एक इमेज क्लिक कीजिए और ग्रुप पे भेजिए, और हम आपको उसमें हेल्प करेंगे फिर। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेल्फ असेसमेंट एग्जाम। सेल्फ असेसमेंट मीन्स आप खुद ही देख पाएंगे कि आपका क्या स्कोर है, तो प्ले विद फुल ऑनेस्टी, करेक्ट। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाता हूँ, क्योंकि आप और आपके क्वेश्चंस केवल यही दो होने चाहिए। जब ये 26 क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, तब मैं एक बार वापस आऊंगा आपको अगली क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के लिए।
अभी तक आप 26 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा है। जो पहले क्वेश्चन थे वो हर क्वेश्चन एक नंबर का था, तो वो अगर आप गलत भी पढ़ा आपने और गलत आंसर किया तो आपका जो रिस्क था केवल एक नंबर का था। अब जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा मार्क्स के आएंगे एग्जाम्स में, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करें, तब उसको आप अटेम्प्ट करें। पॉइंट बी पे हमने लिखा हुआ है कि अभी के लिए आप चाहें तो केवल आंसर के अपने हाईलाइट्स या मेन पॉइंट्स ही लिखें। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, पर समय बचाने के लिए आप केवल उसके हाईलाइट्स भी लिख सकते हैं। पॉइंट सी, अगर आप अपने आंसर्स की एक्यूरेसी हमसे चेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको वहाँ उस अपने आंसर का एक इमेज क्लिक करके हमको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको इस चैप्टर में से या किसी और चैप्टर में से कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं इस वाले सेशन को, जो जिसमें हम कुछ 7 या 8 क्वेश्चंस होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को केयरफुली अटेंड करें। अब आप सभी क्वेश्चन को अटेंड कर चुके हैं, अब टाइम है आपको आंसर की रिवील करने का। तो चेक करते हैं अपने आंसर्स। दिस इज योर आंसर की फॉर द फर्स्ट 26 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। आप अपनी नोटबुक में नोट किए हुए आंसर्स को यहाँ से मैच कीजिए और देखिए कि आपका 26 में से कितना स्कोर आया है। जो बाद वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपको इंटरनली आपको पता चल जाएगा कि आप उन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रिलेवेंट वीडियो जो है क्वेश्चन का वो देखिए, और आपको आपकी लर्निंग बड़ी इम्प्रूव होगी उससे। ठीक है, तो ये आंसर की है आपके पास, और इसके साथ अब हम इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आपसे अब हम मिलेंगे मैक्रो के 3.1 दैट मीन्स नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अब हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।